हाय, मैं हूं शुभायन चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं रेफ स्पोर्ट्स। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का तीसरा दिन भी खत्म हो चुका है। काफ़ी बढ़िया बॉलिंग और बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है आज हमें तीसरे दिन। पृथ्वी शॉ ने आज का दिन पूरा जो हेडलाइन है वो सारा पृथ्वी शॉ के नाम ही जाएगा आज। अर्जुन तेंदुलकर ने भी गोवा के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की और साथ साथ समर्थ व्यास ने भी अच्छी पारी खेली, फिर से 97 रन बनाए। पिछले मैच में भी उन्होंने 97 रन बनाए थे, तो इस बार भी उनका एक शतक मिस हो गया। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है हमें। खलील अहमद ने एक बेहतरीन लास्ट ओवर डाला है राजस्थान के लिए आज आज के मैच में, तो वो भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे आज का दिन पूरा प्ले आउट हुआ है। तो हम लोग मैचेस थोड़े बहुत मैचेस भी पिक कर लेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंसेस ऑफ द डे जो थी वो भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे आज के तीसरे दिन के खेल के बाद। तो पहला मैच जो था वो उत्तराखंड और एमपी का था। उत्तराखंड ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए 194 रन लगाए थे 2 विकेट के नुकसान में 20 ओवर में, और उत्तराखंड ने वो मैच 50 रन से जीत लिया। वेंकटेश अय्यर ने मध्य प्रदेश के लिए 42 रन बनाए बट हाफ सेंचुरी मिस हो गई। लास्ट दो मैचेस से हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं, तो आज भी वो चाह रहे होंगे कि एमपी को इस मैच में अगर वो जिता सकते तो बेटर होगा। बट वेंकटेश अय्यर ने भी आज एक बढ़िया प्रदर्शन दिखाया हम लोगों को। त्रिपुरा पंजाब के मैच में, लास्ट मैच में त्रिपुरा ने एक बहुत बढ़िया जीत दर्ज की थी। आज पंजाब ने उन्हें 9 विकेट से हरा दिया। त्रिपुरा ने सिर्फ 118 रन ही बनाए थे बट पंजाब ने 119 रन आराम से 1 विकेट के नुकसान में बना लिए, तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पंजाब की तरफ से। पंजाब की तरफ से अभिषेक शर्मा और प्रभसिंह ब्रन सिंह दोनों आईपीएल के स्टार बोल सकते हैं आप, तो दोनों ने ओपनिंग करते हुए एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी लगाई थी। और प्रभसिमरन ने जाते हुए एक अर्धशतक लगाया, 57 रन बनाए वहाँ पे, तो पंजाब के लिए एक अच्छी जीत। कर्नाटका ने मेघालय बहुत छोटी टीम है कर्नाटका के अगेंस्ट, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट कर्नाटका ने आज दिखाया कि वो पावर हाउस ऑफ क्रिकेट है। सिर्फ 89 रन पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और आराम से चेज कर दिया वो 1 विकेट के नुकसान में। कर्नाटका की तरफ से मयंक अग्रवाल के बल्ले से थोड़े बहुत रन आए, तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा आज के मैच के बाद। तमिलनाडु ने भी, सिक्किम छोटी टीम, तमिलनाडु एक पावर हाउस, तमिलनाडु ने 79 रन पे ऑल आउट कर दिया था सिक्किम को और आराम से 1 विकेट के नुकसान में 10 ओवर से पहले पहले ही मैच खत्म कर दिया। झारखंड चंडीगढ़ का मैच भी एक लो स्कोरिंग अफेयर रहा। झारखंड ने 106 रन बनाए, चंडीगढ़ ने उसको 1 विकेट के नुकसान में चेज कर लिया। विराट सिंह थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहेंगे क्योंकि झारखंड के कप्तान हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार की बड़ा रन बनाए। लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा गया था उनका वाइट बॉल की अगर हम बात करें तो। विराट सिंह आगे चाहेंगे कि उनका परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा सा बेटर हो धीरे धीरे। सौराष्ट्र और नागालैंड का मैच था। सौराष्ट्र, जैसे मैंने कहा कि चेतेश्वर पुजारा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली, 62 रन बनाए सिर्फ 35 गेंदों में, 9 चौके 2 छक्के। चेतेश्वर पुजारा का ये जो वाइड बॉल फॉर्मेट है ये अभी हमें रॉयल इंग्लैंड कप में दिखा, T20 ब्लास्ट में दिखा कि चेतेश्वर पुजारा अब धीरे धीरे वाइड बॉल फॉर्मेट में भी ज़बरदस्त रन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब रन अ बॉल खेल रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आज भी 170-180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। बट समर्थ व्यास थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे कि दो मैचेस में 97 रन बनाए बट उनका सेंचुरी नहीं लग पा रहा है। आज भी अनबीटन रहे सिर्फ 51 गेंदों में। तो सौराष्ट्र के अभी तक के पिक ऑफ द प्लेयर इस सीरीज में बिल्कुल विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट समर्थ व्यास रहेंगे। और समर्थ व्यास की बात है कि कंसिस्टेंसी अगर उन्होंने मेंटेन कर ली, हर मैच में 90 लगाते हैं तो फिर तो हो गया। बट वो जो 90s में T20 फॉर्मेट है, ज़्यादा सेंचुरीज लगती नहीं है, तो आप जब 90s में एंटर करते हो तो आप चाहोगे कि एक शतक आप बना के आओ। जयदेव उनादकट ने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में सिर्फ 14 रन 1 विकेट, और मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब सौराष्ट्र नागालैंड के साथ खेल रही है तो अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। हिमाचल प्रदेश ने बिहार को हराया, अच्छा मुकाबला रहा था वो भी। हिमाचल ने वो मैच 29 रन से 29 से जीत लिया। केरला ने भी आज अपना मैच जीता संजू सैमसन के बल्ले से, हालांकि रन नहीं आए ज्यादा बट उनका भी एक कंफर्टेबल 3 विकेट विन था वहां पे। दिल्ली उत्तर प्रदेश का मैच आज बहुत ही ब्लॉकबस्टर एक एनकाउंटर माना जा रहा था क्योंकि दिल्ली भी दो में से दो मैच जीत के आ रही थी। यूपी को लास्ट मैच में थोड़ा सा झटका लगा था बट आज यूपी के पेस अटैक ने दिखा दिया कि उन्हें वन ऑफ द बेस्ट क्यू बोला जा रहा है इस सीजन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। पहले ही दिल्ली को मतलब जो कि अच्छी, बहुत ही अच्छी एक बैटिंग
बैटिंग यूनिट है उनको 99 रन में ऑल आउट कर दिया है, कर दिया था उत्तर प्रदेश ने। वहाँ पे शिवा सिंह ने विकेट निकाले, यश दयाल को हालांकि विकेट नहीं मिले बट उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, करण शर्मा ने भी एक विकेट लिया, शिवम मावी ने चार विकेट निकाले आज, तो वो पिक ऑफ द बॉलर्स रहे हैं उत्तर प्रदेश की टीम से। और फिर 99 रन चेस करना, 100 रन चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी उत्तर प्रदेश की जो भारी भरकम बैटिंग यूनिट है उसके हिसाब से। मुंबई की बात करें, मुंबई ने असम के अगेंस्ट मैच खेला और मुंबई ने जिस हिसाब से 230 रन लगाए 3 विकेट के नुकसान में 20 ओवर में, और पूरा श्रेय जाता है पृथ्वी शॉ को जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की। पृथ्वी शॉ अगर इस अंदाज से बैटिंग करते हैं, आज 134 रन बनाए केवल 161 गेंदों में, 219 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका, 13 चौके 9 छक्के, अगर पृथ्वी शॉ ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे तो मैंने पहले हमारे पिछले रिव्यू डे 2 रिव्यू में भी बोला था कि पृथ्वी शॉ अगर इस तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो उन्हें बाहर इंडिया टीम से, सीनियर इंडिया टीम से ज़्यादा बाहर नहीं बिठा सकते आप, क्योंकि वो स्पेशल टैलेंट है। अगर आपको कोई टॉप ऑफ द ऑर्डर ऐसे इंपैक्ट नॉक्स दे रहा है, अगर सेंचुरी बनाते हैं तो वो मैच जिता के ही लाएंगे 99 out of 100 टाइम्स, बट अगर पृथ्वी शॉ को आप बाहर बिठाते रहे तो एक अच्छा टैलेंट आप वेस्ट कर रहे हो। फिटनेस का थोड़ा बहुत इशू था, उन्होंने अपना योयो टेस्ट फेल किया था, बट पृथ्वी शॉ जिस हिसाब से दिखा रहे हैं कि क्रिकेटिंग फिटनेस है उनमें और बड़े शॉट्स लगा सकते हैं आज, जिस हिसाब से उन्होंने ऑफ द पिकअप स्ट्रोक्स मारे, लॉफ्टेड कवर ड्राइव्स मारे, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव मारे, ज़बरदस्त। और हमें पता है कि पृथ्वी शॉ जब इस अंदाज से बैटिंग करते हैं तो पृथ्वी शॉ वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग प्रोस्पेक्ट्स है वर्ल्ड क्रिकेट में, सिर्फ इंडियन क्रिकेट में नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल ने अपना अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यू किया, 42 रन मारे और एक कंफर्टेबल विन था, क्योंकि असम ने अच्छा ट्राई किया बट 170 में निबट गए वो लोग, तो एक अच्छी जीत मुंबई के लिए भी, एक मोमेंटम अब वो पिक कर रहे हैं इस सीरीज में। विदर्भ ने मिजोरम को 114 रन की एक डिफीट दिया, विदर्भ की तरफ से 192 रन उन्होंने पोस्ट किए थे। जितेश शर्मा जो कि पंजाब किंग्स से के तरफ से खेलते हुए नज़र आए हैं हमें पिछले आईपीएल में, उन्होंने एक ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली, 43 रन्स मारे 19 गेंदों में, तो एक बहुत ही अच्छी क्विक फायर हम एक नॉक बोल सकते हैं। और शुभम दुबे ने भी 49 अनबीटन मारे हैं, तो एक अच्छा स्टार्ट विदर्भ के लिए और मोमेंटम बनाते रहना चाहेंगे ये। मणिपुर ने फिर पुडुचेरी को हराया 3 रन से, एक क्लोज मैच था, एक लो अफेयर था, लो स्कोरिंग अफेयर था, 122-125 रन ही बनाए वहाँ पे, बट एक क्लोज मैच मणिपुर ने जीता। सर्विसेज ने अरुणाचल प्रदेश को हराया 9 विकेट से आज। बंगाल ने आज पहला मैच खेला, पिछला मैच उनका बारिश के वजह से वॉश आउट हो गया था, बट बंगाल ने आज खेला उड़ीसा के अगेंस्ट, उड़ीसा एक इन्फॉर्म टीम थी बट 86 रन में ऑल आउट कर दिया। मुकेश कुमार भी आज हमें नजर आए एक्शन में, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, बट बंगाल ने उड़ीसा को एक अच्छा लाइक 8-8 विकेट से जीत गए वो लोग ये मैच, तो एक अच्छी शुरुआत बंगाल की भी रहेगी। मोमेंटम, मैं बार बार मोमेंटम बोल रहा हूँ क्योंकि सारी टीम जो खेल रहे हैं वो चाहेंगे कि सेमीफाइनल में, जो बड़ी टीम जो एम कर रही है वो चाहेंगे कि मोमेंटम वो पिक करते रहे। जम्मू कश्मीर ने को हरा दिया, महाराष्ट्र ने भी। हैदराबाद गोवा की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर ने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की आज। हैदराबाद हालांकि मैच जीत गई बट अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी छाप छोड़ी है बॉल से। हम लोग काफ़ी बात करते हैं कि अर्जुन तेंदुलकर क्या अपने पापा सचिन तेंदुलकर का जो लेगेसी है उसको कैरी करेंगे, बट मेरी एक दरख्वास्त रहेगी कि उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रहने दीजिए, क्योंकि वो बैट्समैन थे, ये बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, और लेफ्ट आर्म पेसर हमें पता है कि कितने रेयर है। मैं एक और लेफ्ट आर्म पेसर की बात थोड़ी देर में करूँगा, बट बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा। 4 ओवर में उन्होंने 4 विकेट निकाले, तिलक वर्मा का भी विकेट था यहाँ पे, और केवल 10 रन दिए, एक मेडन भी था, जहाँ पे आपके बाकी के गेंदबाज 7-8 के इकोनॉमी से रन दे रहे हैं, वहाँ पे अर्जुन तेंदुलकर ने सिर्फ 10 रन दिए 4 विकेट में, तो काफ़ी खुश होंगे आज के परफॉर्मेंस से। और मैंने जो दूसरे लेफ्ट आर्म पेसर की बात की थी, खलील अहमद ने राजस्थान के लिए खेल रहे थे रेलवेज के अगेंस्ट, लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे जीतने को और सिर्फ 2 रन दिए उस ओवर में, 2 विकेट्स भी निकाले और राजस्थान को मैच जिताया। तो ये मोटा मोटी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का डे 3 का इवेंट था, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस, पृथ्वी शॉ, अर्जुन तेंदुलकर, खलील अहमद, समर्थ व्यास, चेतेश्वर पुजारा, तो अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। आप भी बताइए कि आपको किस प्लेयर ने, किस टीम ने प्रभावित किया है अभी तक सैयद मुश्ताक अली में, और हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेफ स्पोर्ट्स।